हनुमान चालीसा होता है जी, भगवान राम का इतना बड़ा मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है जी, तो आपको लगता है कि जो खुद सूली पे लटक गया उसको लटका दिए हो तो वो आपको जिंदा कर देगा? आपको ये समझ में आता है कि आपके बच्चे को वो ठीक किया कि कौन ठीक किया होगा? हनुमान चालीसा होता है, भगवान राम का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, तो आपको लगता है कि जो सूली पर चढ़ गया 4 किलो में मर गया वो आपके बच्चे को जिंदा कर सकता है? मेरे मसीह भाई बहनों, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ एक व्यक्ति के द्वारा उसमें बोले गए शब्द हैं। अभी दोस्तों ये वीडियो तो नहीं पता कि कहाँ की है, लेकिन वीडियो को सुनकर ऐसा लगता है कि ये वीडियो यूपी का है। इस वीडियो में दो व्यक्ति अपने साथ कुछ पुलिस को लेकर के एक गांव में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं वो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती और ये पुलिस वालों को लेकर के वहां पर चले जाते हैं, परिवारों को बाहर बुला करके उनसे पूछताछ करते हैं। और ये पूछताछ दोस्तों आपको सुननी चाहिए, किस तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ऐसे सताया जाता है। आगे मैं कुछ बोलने से पहले दोस्तों आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं। वो हिंदू नहीं हो गया? नहीं लगता है सर। जब हमारे बच्चा बीमार हो गया था कोई नहीं बचाया था, यहाँ आने से हमारा बच्चा चंगा हुआ सर, निमोनिया डबल निमोनिया पकड़ लिया रहा। अरे तो डबल निमोनिया हुआ तो इनके चिन्ह से चंगा नहीं होता? कोई भगवान नहीं सुना रहा, हम भी नवरात्रि उपास रहते थे, कौन से भगवान सुना था तुम? कोई नहीं सुना था, हम भी 10 दिन आप रिकॉर्ड कर रहे करिए, हम कर रहे हैं 10 दिन हम भी पूजा किए थे, लेकिन दशहरा सुबह हमारा बच्चा खत्म हो गया था, कोई नहीं सुना था। तो अच्छा तो ये जो ईसा मसीह था कृष्ण ये ठीक कर दिए थे क्या? जी है? फिर हमारा बच्चा दूसरा हुआ, फिर वैसे हुआ था हाँ। फिर बहुत समस्या बहुत परेशानी, फिर जब हम प्रार्थना करवाए थे तो पूरा बच्चा हमारा चंगा हो गया था। अच्छा जी, तो इसका मतलब तुम ही सब करा रहे हो? हम नहीं करा रहे हैं। अब इनसे भी पूछ लीजिए आप, ये सोचो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। हनुमान चालीसा होता है जी, भगवान राम का इतना बड़ा मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है जी, तो आपको लगता है कि जो खुद सूली पे लटक गया उसको लटका दिए हो तो वो आपको जिंदा कर देगा? आपको ये समझ में आता है कि आपके बच्चे को वो ठीक किया कि कौन ठीक किया होगा? मैं सप्तर बंद कर दे उसको, तुमसे बोल रहा हूँ बंद कर दे उसको। ये गांजा पी पी के पगला रहा है, आके चीन हुआ है, पूछ लो, बताओ, सुनो भैया मेरा बात सुनिए पहले, ठीक है ना? बताइए कौन बेचता है गांजा? जो बेचता है उसको क्यों नहीं पकड़वाया? ऐसे लोगों को तो आप लोग बताओ ना कौन है, इतना गांजा पिलाते हैं उसको क्यों मना नहीं किया जा रहा? इसको ठीक क्या ईसा मसीह करेगा? ठीक कर देगा, कर देगा, कर देगा। चलो हमको बिगाड़ के दिखाओ, हमको पिला के दिखाओ ईसा मसीह, बोलो गांजा पिलाए हमको। गांजा नहीं पिलाते, वो सत्य और मार्ग जीवन देता है, सिर्फ मन बदलता है भैया। और हिंदू के देवी देवता क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मन बदलता है, वो धर्म नहीं बदलता है। तुमने मन बदल लिया? मन बदल लिया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को मुंबई से देख रहे हैं तो वसई में एक प्रेयर मीटिंग होने के लिए जा रही है 17 जनवरी को शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। मैं आपको बता दूं इस प्रेयर मीटिंग को लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह के स्पिरिचुअल फादर बिशप विजय इमानुएल वहां पर आ रहे हैं। इस प्रेयर मीटिंग में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी और आपको वचन से सिखाया जाएगा, तो आप जरूर इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड करें 17 जनवरी शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस दिख रहा है और दिए गए नंबरों पर आप फोन करके अधिक जानकारी को भी ले सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया, आपने देखा सबसे पहले जब वो व्यक्ति जाते हैं तो अंदर से एक व्यक्ति को बुलाते हैं घर में से और उसको टोंट मारते हैं, तुम लोग हिंदू नहीं हो क्या? और वो व्यक्ति बोलता है हिंदू है सर, लेकिन मेरा बच्चा जब बहुत बीमार था उसको किसी ने भी नहीं बचाया, जितने सामने खड़े हैं कोई भी नहीं आया उसको बचाने के लिए, मेरे बच्चे को डबल निमोनिया ने पकड़ लिया था जिसकी वजह से वो बहुत बीमार था। और फिर बोलता है कि मैं खुद भी हिंदू रहा हूं तो मैंने नवरात्रों में 10-10 दिन के उपवास रखे हैं। और ये व्यक्ति बताता है कि अभी दशहरे के समय मैंने उपवास रखे और उपवास रखने के बाद जब दशहरे का दिन था उसी समय मेरा बेटा सुबह मर चुका था। फिर ये मसीह व्यक्ति बोलता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, करिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। फिर जो व्यक्ति जो वीडियो में आपने देखा वो सवाल जवाब जो पूछ रहा होता है वो बोलता है कि जो ईसा मसीह है वो क्या ठीक कर दिए थे तुम्हारे बेटे को? और सामने से व्यक्ति जवाब देता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब मैंने प्रार्थना करवाया तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं परमेश्वर कितने बड़े बड़े चमत्कारों को करता है। जिसने लाजर को जिलाया वो आज भी मुर्दों को जिलाता है। भाई का कहना है मेरा बेटा मर चुका था और जब उसके लिए प्रार्थना को करवाया, इन लोगों ने आपस में बैठ करके प्रार्थना किया या किसी से भी प्रार्थना को करवाया अपने इसी गाँव में, इनका बेटा बिल्कुल जिंदा हो गया।
अब इस बात को सुनकर के जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो बहुत बुरी तरह हिल जाता है। वो सोचता है किसने ऐसी बात बोल दी है, अब इसको किसी ना किसी तरीके से गलत तो साबित करना ही पड़ेगा। फिर वो इस बात को बोलता है, हनुमान चालीसा है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है जो खुद सूली पर चढ़ गया, जिसको लटका दिया गया, वो आपको जिंदा कर सकता है? फिर यहाँ पर परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश की जाती है कि आपको समझ में आता है कि आपके बच्चे को यीशु मसीह ठीक किया है या कौन ठीक किया है? मतलब इस व्यक्ति का कहने का मतलब है तुम्हारे बच्चे को राम ने ठीक किया है, हनुमान ने ठीक किया है, किसी यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया, जब इस बात को बोलता है। फिर दोस्तों सामने एक भाई खड़ा होता है और उसके साथ में एक और लड़का खड़ा होता है। वो बोलता है कि इसको जब गांजा पिलाया गया जो मेरे साथ लड़का खड़ा है, तब किसी ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? मतलब उस भाई का कहने का मतलब ये है, गांजा पिलाने वाले को क्यों नहीं पकड़ रहे, बल्कि प्रार्थना करने वालों के पास आकर के इंक्वायरी कर रहे हैं। और ये व्यक्ति बोलता है कि तुम लोग जब बताओगे तभी तो हम उनको पकड़ेंगे। अब एक बात को सोचिए दोस्तों कि ये लोग प्रार्थना करने वालों के पास खुद चल करके आ गए, लेकिन जब इनको किसी गांजा पिलाने वाले को पकड़ना हो तो इनको गांव वाले आकर के बताएं। मतलब वहां के कानून व्यवस्था ऐसी नहीं है क्या कि उनको खुद जाकर के नहीं पकड़ सकती, कि गांव वाले उनको बताएंगे? और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि पुलिस को ना पता हो कौन कहां पर क्या कर रहा है। इतना तो सबको पता है कि पुलिस सब चीजें जानती है, कौन गांजा बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, पुलिस को अच्छे से ये बात मालूम होती है। फिर ये लड़का बोलता है कि इसको ठीक कौन करेगा, और ये आदमी बोलता है क्या इसको ईसा मसीह ठीक करेगा? फिर सामने से भाई जवाब देता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक कर देगा। और ये व्यक्ति इस बात को बोलता है, चलो ठीक है अपने ईसा मसीह को बुलाओ और उसको बोलो कि हमें गांजा पिला करके दिखाए। मैं इस भाई को बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह गांजा पिलवाता नहीं, बल्कि गांजा छुड़वाने वाला परमेश्वर है, गांजा पिलाने वाला परमेश्वर नहीं है, और जो गांजा पिलाता है वो परमेश्वर होता ही नहीं है। फिर भाई सामने से जवाब देता है, वो गांजा नहीं पिलाता है, वो मार्ग सत्य और जीवन देता है, वो मन को बदलता है। और फिर ये व्यक्ति फिर से वही बात ले जाता है कि हिंदू के देवी देवता क्या करते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं, ये धर्म नहीं बदलता है, ये मन को बदलता है। और यहाँ पर मैं वीडियो खत्म कर देता हूँ। इस वीडियो का दोस्तों मैं आपको दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगा, अगर आप चाहते हैं वीडियो का दूसरा पार्ट देखना तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इन लोगों की इस ओछी हरकत पर जो इन लोगों ने की, इन मसीह लोगों के साथ। उनको धमकाने के लिए पहुंच गए पुलिस वालों को लेकर के, लेकिन इन मसीह लोगों के लिए तो एक लाइक बनता है इस वीडियो पर कि इन लोगों ने बिल्कुल भी डरने की बजाय इनके अच्छे से जवाब दिए। लगातार ये धर्मांतरण के आरोप लगाते रहे बीच बीच में, लगातार ये राम मंदिर को बीच में लाते रहे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर का इस मामले में क्या काम है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? अच्छी बात है अगर आपको उससे शांति मिलती है तो ठीक है, लेकिन दूसरों के ऊपर जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? क्या वो लोग नहीं जानते कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहली बात तो इसमें राम मंदिर के जिक्र की कोई भी ऐसी बात ही नहीं थी कि उसमें राम मंदिर का जिक्र किया जाए, हनुमान चालीसा का जिक्र किया जाए। जबरदस्ती पुलिस वालों को लेकर के ये व्यक्ति आते हैं और उल्टे सीधे सवाल इन मसीह लोगों से करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा था, मैंने तो आपको इसका एक छोटा सा पार्ट दिखाया है। आगे भी इस वीडियो में बहुत कुछ हुआ, अगर आप बताएंगे कि हमें दूसरा पार्ट देखना है तो मैं जरूर इसके ऊपर दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। बाकी आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।